पहले रोहित और विराट को और अब एमएस धोनी को पैट कमिंस ने साइलेंस कर दिया। इस मैच से पहले तमाम इंडियंस ये कह रहे थे कि माही भाई इस कमिंस ने, इस हेड ने मिलकर बड़ा हमें रुलाया है, 140 करोड़ भारतीयों को खामोश कर दिया है इस कमिंस ने। इस कमिंस ने मैच से पहले कह दिया था कि आई वॉन्ट टू मेक द क्राउड साइलेंट, आप इससे बदला जरूर लेना। कमिंस भी शायद समझ रहे थे, इस वजह से कह रहे थे कि भाई आई कांट आउट स्मार्ट एमएस धोनी। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो यह नतीजा निकला कि एक्चुअली में कमिंस ने आउटस्मार्ट कर दिया एमएस धोनी और सीएसके को। 35,992 लोगों की मौजूदगी में एमएस धोनी के सीएसके को एक तरफा मुकाबले में पैट कमिंस की टीम ने हरा दिया। हालांकि धोनी की टीम की हार आखिरी के 7 ओवरों में होती है और एसआरएच की जीत जो है उसकी पटकथा शुरुआत के 7 ओवर में लिखी जाती है। एक तरफ एसआरएच थी जिसने एमएस धोनी के धुरंधरों को, जिसमें धोनी भी शामिल थे, उनको मिलाकर केवल 50 रन दिए आखिरी के 7 ओवरों में। 42 गेंदों में 50 रन और 3 विकेट निकाल दिए और वहीं से शायद ये मैच तय हो गया कि 165 रन बनाकर आप ये मैच जीत सकते हैं, खासतौर पर एसआरएच के सामने। क्योंकि जब एसआरएच बल्लेबाजी करने आई तो उसने बताया ऋतुराज की टीम को, धोनी की टीम को, कि पावर प्ले में बल्लेबाजी की कैसे जाती है। 6 ओवर 78 रन 1 विकेट, आउटस्मार्ट, एक तरफा पावर प्ले में मैच खत्म। इस मैच में पथराना और मुस्तफिजुर नहीं खेल रहे थे और शायद यही वजह है कि सीएसके की किस्मत जो है वो चारों खाने चित हो गई थी। सीएसके इस मैच में कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एसआरएच इस मैच में रहम करने के मूड में नहीं थी और इसी वजह से 3 ओवर 3 गेंद में 50 रन ठोक दिए गए। 3 ओवर 3 गेंद में उस पिच पर जिस पर लोग कह रहे थे कि यार यहां बल्ले पर बॉल नहीं लग रही, जिस पर जडेजा संघर्ष कर रहे थे, जिस पर ऋतुराज संघर्ष कर रहे थे, जिस पर डैरियल मिचेल से रन नहीं बन रहे थे, रहाणे टुक 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 कर रहे थे, बाकी बल्लेबाज जो है वो भी इन एंड आउट चल रहे थे। मैच से पहले पैट कमिंस ने कहा था कि आई वॉन्ट टू सी एन एग्रेसिव स्टार्ट फ्रॉम एसआरएच और ऐसा लगता है कि इस आईपीएल 2024 में एसआरएच अपनी उस एग्रेसिव क्रिकेट के लिए जानी जाएगी, क्योंकि केकेआर के सामने जब वो आए तो 65 पर एक ठोक दिया, एमआई के सामने आए तो रिकॉर्ड को और बड़ा किया, 81 पर एक ठोका, जीटी के सामने गए तो 56 पर एक था और सीएसके के सामने एक स्लो पिच पर, टर्निंग ट्रैक पर 78 पर एक ठोक दिया, जो एक कमाल का पावर प्ले स्कोर है। सीएसके के इतिहास में अगर आप पावर प्ले के हाईएस्ट स्कोर में बात करेंगे तो ये मैच था। सीएसके की किस्मत जो थी वो खराब थी, हालांकि आप चाहें तो अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपनी किस्मत बना सकते हैं प्रोबो ऐप पर। हाँ, यहां धोनी को लेकर, कमिंस को लेकर राय देने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यही राय अगर आप प्रोबो पर दे देंगे तो शायद आपको फायदा हो जाएगा। नहीं, ये मैच खत्म हो गया, इसमें आपका नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन जो अगला मैच है विराट कोहली की टीम का, अगर आपको लगता है कि विराट कोहली की टीम आरआर को हराएगी तो यस या नो में जवाब दीजिए। ढेरों इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं, 2 करोड़ से अधिक यूजर वहां पर हैं और जो विड्रॉल है वो भी बड़ा आसान है। खैर, ये तो आरआर की कहानी है, अगर आपको किस्मत चमकानी है, लेकिन किस्मत जो है वो एक्चुअली में चमकी आज एसआरएच की, क्योंकि एसआरएच ने बड़ी मार मारी है और ये मार धोनी के धुरंधर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। धोनी के इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो पावर प्ले में ये 3rd सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि इससे पहले आरआर ने 81 रन मारे थे 2021 में, एलएसजी ने मारे थे 80 रन, 78 रन आज एसआरएच ने मारे और 78 ही एमआई ने मारे थे 2008 में। और बीते 16-17 सालों में यहां पर आपको सिर्फ ये 4-5 मौके नजर आएंगे जहां पर धोनी की टीम आउटस्मार्ट हो जाती है सामने वाली टीम के सामने। लेकिन इस मैच के हीरो मेरे हिसाब से अभिषेक थे। अभिषेक आते हैं और अभिषेक छाते हैं, 12 बॉलों पर 37 रन, 3 चौके 4 छक्के और पूरा एसआरएच का जो क्राउड है वो उनके लिए तालियां बजाता है। खासतौर पर मुकेश चौधरी के ओवर में जो मार मारी गई है वैसी मार हमने नहीं देखी। पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी बॉल छक्का, फिर डॉट, फिर छक्का, नो बॉल थी, फिर छक्का, फिर चौका, 1 ओवर में 27 रन। शायद मुकेश चौधरी इस रात को भूलने वाले नहीं है, लेकिन अभिषेक को आप मत भूलिएगा क्योंकि अभिषेक लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। 4 मैचेस 161 रन, 40 का उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट 217 का है, 12 चौके और उससे कहीं ज्यादा छक्के जो 15 है। ऐसा लगता है कि युवराज सिंह ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो अभिषेक शर्मा में नजर आती है और इस आईपीएल में 2 बल्लेबाज ऐसे नजर आते हैं जो शायद युवराज की झलक दिखाते हैं, एक अभिषेक, दूसरा नाम शिवम दुबे। अभिषेक शर्मा, इस आईपीएल की बात की जाए तो 19 बॉलों पर 32 रन, 23 बॉलों पर 63 रन, 20 बॉलों पर 29 रन, 12 बॉलों पर 37 रन और ये एक परफेक्ट स्टार्ट है ये बताने के लिए कि T20 क्रिकेट में आप कैसे खेलें और T20 क्रिकेट में पावर प्ले का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाए।
सीएसके कोशिश अच्छी थी लेकिन आखिरी के ओवर में रन नहीं बने, इस वजह से 165 पर सिमट जाती है। लेकिन इनकी साइड से भी शिवम दुबे की चर्चाएं होनी चाहिए। शिवम दुबे ने 24 बॉलों पर 45 बनाए, 2 चौके 4 छक्के और कमाल की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी। मेरी नज़र में शिवम दुबे को आप इस वर्ल्ड कप में ले जाइए अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है, और अगर पॉसिबल है तो प्लेइंग 11 का उन्हें हिस्सा भी बनाइए, क्योंकि शिवम दुबे मिडिल ओवर्स में जो बल्लेबाजी करते हैं वैसी बल्लेबाजी कम देखने को मिलती है। 28 पर 34, 23 पर 51 और आज 24 पर 45 शिवम दुबे एक्चुअली में दबा के मार रहे हैं। हालांकि किस्मत जो है वो कप्तान ऋतुराज की खराब हो गई है। 26 रन 21 बॉलों पर बनाए, इससे पहले 15 बॉल 15 रन आरसीबी के सामने, 36 बॉलों पर 46 रन जीटी के सामने, 2 बॉल पर 1 रन डीसी के सामने, 21 बॉल पर 26 रन एसआरएच के सामने। माकरन जिनको लेकर सवाल खड़ा हो रहा था, माकरन ने बताया कि वो इस टीम के लिए कितने अहमियत क्यों रखते हैं। एसआरएच को उन्होंने अपने अफ्रीका में 2-2 बार टूर्नामेंट जिताया है और आज भी इस रन चेज में एक सॉलिड नॉक खेली जिसमें 35 बॉलों पर अशतक बनाए। ट्रेविस हेड हमेशा की तरह शानदार थे, 31 रन 23 बॉलों पर। एसआरएच पावर प्ले में कमाल थी और उस पावर प्ले का असर यह था कि ये मैच वो आसानी से जीत जाते हैं। हालांकि एसआरएच का एक कंबाइंड परफॉर्मेंस जो है वो शुरू होता है कप्तान कमिंस से, जो हर मैच में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और सुपर्ब कप्तानी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं। पहले मैच में 4 ओवर 32 रन 1 विकेट, फिर 35 पर 2, फिर 28 पर 1, फिर 29 पर 1, और ये कमिंस की खासियत है कि लगातार वो इकोनॉमिकल हैं। 4 मैच 5 विकेट 7 की इकोनॉमी है और 19 का स्ट्राइक रेट है जो उन्हें खास बनाता है। हालांकि इस मैच में एक विवाद भी था, पैट कमिंस ने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की अपील जो है उसको वापस ले लिया था जडेजा के सामने जब बॉडी पर हिट हुई और थर्ड अंपायर ने रिव्यू की बात की थी। अब इसको लेकर कई लोगों ने सवाल खड़ा किया, कमिंस ने जानबूझकर ये किया या बड़ा दिल दिखाकर किया। अगर बड़ा दिल दिखाकर किया तो ठीक है, लेकिन दूसरा वर्ग ये मानता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो जडेजा स्ट्रगल कर रहे थे उन जडेजा को उन्होंने सोचा कि शायद वो कंटिन्यू करें और इस वजह से किया, क्योंकि अगर यही कोई धाकड़ बल्लेबाज होता तो शायद ये फैसला लग। जडेजा भी इस आईपीएल में संघर्ष करते नजर आए हैं। पहले मैच में आरसीबी के सामने 17 रन 25 बॉलों पे, फिर 3 बॉल पे 7 रन, 17 बॉल पे 21 रन, आज 23 पे 31, जो जडेजा जैसे कद के बल्लेबाज पर शोभा नहीं देती है, क्योंकि ना गेंद से ना बल्ले से दोनों से वो आउटस्टैंडिंग नहीं हो पा रहे। सीएसके के सामने कई सवाल हैं, गेंदबाज जो उनके हैं फिलहाल चोटिल हैं और इस वजह से जो नए आ रहे हैं वो रिप्लेस नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या ये कहानी सीएसके को परेशान करेगी और क्या इस साल एसआरएच जो है वो वाकई में कोई कमाल करेगी, ये देखने वाली बात है। क्या सोचते हैं आप एसआरएच के बारे में वो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और बाकी अगर आप अगले मैच को लेकर कोई राय रखते हैं तो वो प्रोबो पर जाइए और वहाँ पर जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ जाइए, हमारा कोड इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदा भी होगा, साथ ही आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं। और हमें भी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आरआर वर्सेस आरसीबी में कौन वो टीम है जो जीतने वाली है।